वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सेंट माइकल्स एकेडमी ई लर्निंग क्लास। आई एम श्रीराम, टीचिंग यू अकाउंटेंसी ऑफ क्लास 12। माई डियर स्टूडेंट, टूडे आई एम गोइंग टू टीच यू अ टॉपिक दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सो फार वी हैव सीन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सो इन दिस वेरी वीडियो सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द अनदर सिचुएशन और अनदर केस ऑफ गुडविल। सो एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर there is a goodwill that exists in the books of account, that is balance sheet. So how it is treated? So let's see, there are two conditions. Condition number one, when existing goodwill is written off. First jo condition hai wo kya hai, jo hamara existing goodwill hai wo kya honge, partners logon ne use written off karne ka decision liya hai. And another सिचुएशन वेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज नॉट रिटेन ऑफ, और जो दूसरा कंडीशन है वो क्या है, जो भी हमारा एग्जिस्टिंग गुडविल है वो पार्टनर्स लोगों ने डिसाइड किया कि उसे हम राइट ऑफ नहीं करेंगे, मीन्स इज रिटेन इन द बुक्स, यानी कि वही वैल्यू क्या होगा, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन होगा। सो ये दो हमारा आज का कंडीशन है, इसे हम देखते हैं। सो ये जो पहला कंडीशन है, जो हमारा कंडीशन नंबर फर्स्ट गिवन है, दैट इज वेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटेन ऑफ। So at the time of the admission of a partner, when the existing goodwill is written off, the goodwill is written off in the old profit sharing ratio among the old partners. इसमें simple हमें क्या याद रखना है कि at the time of admission of a partner, goodwill is written off, that is the existing goodwill, and that is written off in the old profit sharing ratio among the old partners. सो इस पे एक हम न्यूमेरिकल या एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना करके सॉल्व करके देखते हैं, जिससे ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सो हम अपने टी एस ग्रेवाल 2019 एडिशन से एक क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं, जो कि टॉपिक होगा हमारा व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटेन ऑफ। स्टूडेंट, इसके लिए हमारा जो जर्नल एंट्री होता है वो पहले हम जर्नल एंट्री लिख लेते हैं। सो हमारा जर्नल एंट्री बेसिकली क्या होता है, व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटेन ऑफ, तो हमारा जर्नल एंट्री होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, और यू कैन से एज करेंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये हमारा जर्नल एंट्री होता है किस चीज़ का, व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटेन ऑफ। तो इसी जर्नल एंट्री को हमको याद रखना है कि ये हमारा क्या होगा, जर्नल एंट्री होगा। सो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व अ क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29 फ्रॉम योर टी एस ग्रेवाल 2019 एडिशन। क्वेश्चन नंबर हमारा है 29। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं क्या है, लेट्स सी। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस की गिवन है, उसे हम यहाँ पे लिखते हैं। दो पार्टनर है ए एंड बी, दो पार्टनर है और इन लोग के बीच जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2। क्या रेशियो है, 3:2। गुडविल अपियर्ड इन, सॉरी, दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर। इन लोगों ने एक नए पार्टनर को, सी को एडमिट किया है, कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। सी ब्रिंग्स 30,000 एज कैपिटल एंड 10,000 एज गुडविल। ये जो सी पार्टनर है ये दो चीज़ लेके आया, पहला कैपिटल और दूसरा अपना शेयर ऑफ गुडविल। कितने कितने लेके आया, 30,000 एंड 10,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। क्वेश्चन में जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है उसे पहले एक जगह हम पॉइंट आउट करते हैं, तब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी, गुडविल अपियर्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एट ₹3,000। दिस इज आवर एग्जिस्टिंग गुडविल। सो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी, जो हमारे बैलेंस शीट में जो हमारा गुडविल शो कर रहा है, दैट इज ऑफ 3,000। ये कितने का है, 3,000 का है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स विल बी 5:3:2। और ये हमारा ओल्ड रेशियो गिवन है, तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है पार्टनर्स का, ए बी और सी दे विल शेयर 5:3:2। ये 5:3:2 के रेशियो में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पास नेसेसरी जनरल एंट्री। सो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, वी हैव टू पास नेसेसरी जनरल एंट्री। सो वेरी सिंपल स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, वी आर हैविंग द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स, पार्टनर ऑफ द न्यू पार्टनर, सॉरी, शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर दैट इज गिवन 1/5 शेयर, द कैपिटल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर दैट इज 30,000 एंड द शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर दैट इज 10,000। फर्दर क्वेश्चन में गिवन है देयर इज एग्जिस्टिंग गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल कितने हैं, दैट इज 3,000 एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन, दैट इज 5:3:2। सो माई डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो हमारा एग्जिस्टिंग गुडविल है ये ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड शेयर में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके लिए हमारे जर्नल एंट्री क्या होगा, वी आर हैविंग टू पार्टनर्स। सो हमारे जर्नल एंट्रीज क्या होंगे, यहाँ से सॉल्यूशन है, एज कैपिटल
अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गुडविल? दैट इज 3000. सो ये हमारा होगा 3000 एंड 3000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड शेयर, दैट इज 3/5. सो 3/5 जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी 1800 एंड 1200 रेस्पेक्टिवली. ओके, यहाँ जर्नल एंट्री हम लिखेंगे बींग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ. दिस इज आवर फर्स्ट सेगमेंट. ये हमारे क्वेश्चन का पहला सेगमेंट होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. गुडविल अमाउंट जो गिवन था दैट इज 3000 एंड इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 3:2. ये वर्किंग नोट में यहाँ पे हम कर लेंगे. वर्किंग नोट कैसे हमने डिवाइड किया, सो ए शेयर इज इक्वल टू 3000 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 इज इक्वल टू 1800. लाइकवाइज बी शेयर इज इक्वल टू 3000 मल्टीप्लाइड बाई 2/5 दैट विल बी 1200. ओके, तो ये है हमारा जर्नल एंट्री पहला, इस क्वेश्चन का जो पहला सेगमेंट था, यानी कि हमने ये काम क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया. ओके, तो जस्ट नोट इट डाउन स्टूडेंट. नाउ अब हम क्या करेंगे इसी क्वेश्चन के अगले सेगमेंट की ओर अब हम बढ़ते हैं, इरेज कर रहे हैं स्टूडेंट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन का इसका जो सेगमेंट है दैट इज द कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर. सो वी हैव टू पास अ जर्नल एंट्री. सो उसके लिए हमारे जर्नल एंट्री क्या होगा, इस पार्टनर ने ब्रॉट इन किया है, सो दैट्स वाई कैश अकाउंट डेबिट, कैश का जिक्र है ही, सी ब्रिंग्स 30,000 एज कैपिटल एंड 10,000 एज गिवन. ओके, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट दैट इज 30,000 एज कैपिटल एंड 10,000 एज शेयर ऑफ गुडविल. ऑल टुगेदरली इट इज 40,000. नरेशन हम लिखेंगे बींग कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय सी. ये हमारा जर्नल एंट्री है. क्या जर्नल एंट्री है? कैश अकाउंट डेबिट जो पार्टनर लेकर के आया, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. इट मीन्स द गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर दैट इज 10,000 गिवन इन द क्वेश्चन. नाउ ये जो गुडविल लेकर के आया पार्टनर, ये जो गुडविल का अमाउंट है दैट इज 10,000, ये किसको मिलते हैं? ये हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को मिलते हैं. माय डियर स्टूडेंट, ऑलवेज मैंने बता रखा है दैट वी हैव टू रिमेंबर दैट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स नॉट ओल्ड पार्टनर्स. ये सही बात है कि ओल्ड पार्टनर्स ही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स होते हैं, लेकिन किसी किसी कंडीशन में होता है कि एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ये ज़रूरी नहीं है कि जो ओल्ड पार्टनर्स है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स भी हो. सो दैट्स व्हाई इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स. तो इसे नोट डाउन कर लें स्टूडेंट. ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चन का जो अगला सेगमेंट और लास्ट सेगमेंट होगा वो हम अब प्रिपेयर करते हैं. नाउ जो 10,000 गुडविल है वो 10,000 गुडविल किसको मिलेगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को मिलेगा. और किस रेशियो मिलेगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिलेगा. सो दैट्स वाई वी हैव टू कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो फर्स्ट ऑफ ऑल. सो वी नो दैट सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑन, हमने बता रखा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. सो सेक्रीफाइसिंग ऑफ ए, सेक्रीफाइस ऑफ ए इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो दैट इज गिवन 3/5 एंड न्यू रेशियो इज 5/10. व्हेन यू विल टेक द एलसीएम, द एलसीएम विल बी 10, 6-5 इज इक्वल टू 1/10. नाउ द सेक्रीफाइस ऑफ बी, सेक्रीफाइस ऑफ बी की जब हम बात करते हैं दैट विल बी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो दैट इज 3/10, एलसीएम विल बी 10, 5-10, 4-3 इक्वल टू 1/10. हेयर द सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू 1:1 दैट इज इक्वली. इट मीन्स द गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर दैट इज 10,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो दैट इज इक्वली. सो दैट्स वाई वी हैव टू मेक अ जर्नल एंट्री. नोट डाउन हो गया स्टूडेंट? वेरी गुड. नाउ
हम जर्नल एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्री हमारा क्या हो जाएगा, जर्नल एंट्री हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट दैट इज 10,000 टू एस कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट दैट इज 5,000 ईच बिंग गुडविल क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ये है हमारा एक क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 29 जो हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या क्या क्वेश्चंस, क्या क्या था इन्फॉर्मेशन, वी आर हैविंग द इन्फॉर्मेशन दैट ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 ईयर। एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ सी देर वॉज एन एग्जिस्टिंग गुडविल दैट इज 3,000 एंड सी एज अ इनकमिंग पार्टनर ब्रॉट इन कैपिटल and premium for goodwill that is 30,000 and 10,000 respectively. We have to pass the necessary journal entry. So first of all, we have to distribute the existing goodwill that we have to write off in among the old partners in old profit sharing ratio. So that's why journal entry was S capital account debit, B capital account debit to goodwill account amount humne calculate kar liya. Then after cash jo brought in kiye as capital and goodwill, cash account debit, सीज कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट अमाउंट हमने लिख रखा है। देन आफ्टर जो गुडविल ब्रॉट इन किया न्यू पार्टनर के द्वारा, वो हम क्या करते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो हेयर वी आर हैविंग द जर्नल एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, इट मीन्स सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, इसे आप नोट डाउन करें। और इसके बाद जो हमारा सेकंड जो कंडीशन था, व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज नॉट रिटेन ऑफ, इट मींस दैट इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, वो अब एक उस पर हम एक अपना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जस्ट नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट, वी आर हैविंग द सेकंड कंडीशन ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, दैट इज व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज नॉट रिटेन ऑफ। इससे पहले हमने देखा था कि जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उससे पार्टनर क्या कर लेते हैं, राइट ऑफ कर लेते हैं। इसमें हम देखेंगे कि जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसे हम राइट ऑफ नहीं कर रहे हैं, रिटर्न ऑफ नहीं कर रहे हैं। सो उसके लिए एक हम एग्जांपल से पहले समझाते हैं और फिर उसके बाद एक हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो ये कहता है दैट व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज नॉट रिटेन ऑफ, इट मींस जो अमाउंट है सेम अमाउंट को हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट बैलेंस शीट में, आगे बैलेंस शीट में। सो यहाँ पे है, सपोज करते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन, At the time of admission of a new partner, there was an existing goodwill. हमारा पहले से existing goodwill है, you can say as 1 lakh. ये हमारा existing goodwill पहले से था books of account में, it means balance sheet में. Now, at the time of the admission of a partner, new partner, ये जो हमारा goodwill था, अब जो हमारा goodwill है, वो हम उससे estimate करके चल रहे हैं. Now it is estimated at रुपीज 1,50,000। एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर देर वॉज एन एग्जिस्टिंग गुडविल, पहले से हमारा एक एग्जिस्टिंग गुडविल है जिसकी वैल्यू क्या है, 1 lakh। एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ पार्टनर, हमने अब जो अपना गुडविल को एस्टिमेट किया है, यानी कि जो हमने उसे वैल्यू किया है, वैल्यूड गुडविल है दैट इज एट 1,50,000। सो इस कंडीशन में क्या होगा, जो न्यू पार्टनर है वो ये वाला अमाउंट का हिस्सा ले आएगा या ये वाला अमाउंट का हिस्सा लेकर के आएगा, बिकॉज हमने बताया कि जो न्यू पार्टनर है, जो इनकमिंग पार्टनर, वो क्या करते हैं, गुडविल जो भी पूरे फॉर्म का है उसमें वो अपने शेयर को लेकर के आता है, जो भी उसका शेयर है। जैसे इससे पहले हमने देखा कि उसमें क्वेश्चन में गिवन था दैट द न्यू पार्टनर इज कमिंग फॉर 1/5 शेयर एंड ही इज ब्रिंगिंग 10,000 एज शेयर ऑफ गुडविल, वहाँ क्वेश्चन में गिवन था। बट किसी किसी क्वेश्चन में कहेगा कि द एंटायर गुडविल, पूरे फॉर्म का गुडविल है से 5 lakh, और जो न्यू पार्टनर वो कितना गुडविल लेकर के आएगा, सो सिंपली 5 lakh इंटू 1/5 दैट विल बी 10,000, वो हमने मान लिया, सॉरी 1 lakh। तो ये हमारा हो जाएगा कैलकुलेट करने का तरीका। नाउ लेकिन यहाँ पे ये दो अमाउंट गिवन है, पहले से एक एग्जिस्टिंग गुडविल गिवन है और एक है अग्रीड, जो एक नया गुडविल है।
तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो न्यू पार्टनर है, जो इनकमिंग पार्टनर है, वो क्या करेंगे, इस दोनों के बीच के डिफरेंस जो होंगे, जो डिफरेंस होगा उसमें वो अपना शेयर लेकर के आएगा। सो यहाँ पे इस दोनों का डिफरेंस कितने का है, दैट इज 50,000। कितने का डिफरेंसेस है, 50,000 का है। नाउ द न्यू पार्टनर विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल आउट ऑफ 50,000। सपोज करते हैं जो न्यू पार्टनर सी है वो 1/10 शेयर के लिए आ रहा है, मान लेते हैं कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/10 शेयर के लिए आ रहा है, तो सी कितने गुडविल लेकर के आएगा। नाउ द 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 1/10 इज इक्वल टू 5,000। तो दिस इज गुडविल व्हाट न्यू पार्टनर विल ब्रिंग। समझ में आई स्टूडेंट, जब वेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज नॉट रिटेन ऑफ, यानी कि जो एग्जिस्टिंग गुडविल है वो पार्टनर से राइट ऑफ नहीं कर रहे हैं, वो सेम अमाउंट को कंटिन्यू करेंगे, रिटेन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट करेंगे, उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा एग्जिस्टिंग गुडविल है वो गुडविल और जो मेरा न्यू गुडविल, जो अग्रीड गुडविल है या वैल्यूड गुडविल है, इस दोनों के बीच के हम डिफरेंस को देखते हैं। इस दोनों के बीच के डिफरेंस जो आएंगे उस अमाउंट का फ्रैक्शन, जो न्यू पार्टनर जितने शेयर के लिए आ रहा है वो उस फ्रैक्शन को लेकर के आएगा एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल। सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व आवर क्वेश्चन, जब हमारा ये कंडीशन होगा, व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज नॉट रिटेन ऑफ, दैट इज रिटेन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके स्टूडेंट, अब इस पे हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिससे हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमको कैसे ट्रीट करना है, कैसे हमें अपने क्वेश्चन को अप्रोच करना है। सो लेट्स सी। सो नाउ स्टूडेंट, एक हम क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन पे क्या है, लेट्स सी। क्वेश्चन हमें कहता है देयर आर टू पार्टनर्स, दो पार्टनर्स हैं, नेम दे दे रहे हैं, दैट इज ए एंड बी, दो पार्टनर हैं और इन लोगों के बीच जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है दैट इज इक्वली, ये लोग 1:1 में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दे एडमिटेड सी फॉर 1/3 शेयर इन प्रॉफिट, ये इन लोगों ने सी को एडमिट किया है फॉर 1/3 शेयर। गुडविल वॉज वैल्यूड एट ₹5 लाख ऑन द एडमिशन ऑफ सी, जो गुडविल है वो हमारा वैल्यूड गुडविल है दैट इज 5 लाख एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी, एंड द गुडविल अपियर्ड इन द बैलेंस शीट इज ₹2 लाख, और पहले से जो हमारा एग्जिस्टिंग गुडविल है जो हमारे बैलेंस शीट में दिखा रहा है दैट इज 2 लाख। नाउ इट वॉज अग्रीड अमंग द पार्टनर्स टू कैरी फॉरवर्ड द एग्जिस्टिंग गुडविल एट इट्स बुक वैल्यू, सी ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल बाई चेक, जो सी पार्टनर है वो जो गुडविल लेकर के आया है किस चीज़ में लेकर के आ रहा है, चेक में लेकर के आ रहा है। सो माय डियर स्टूडेंट, ये हमारा कंडीशन है, व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल, जो एग्जिस्टिंग गुडविल है इज नॉट रिटेन ऑफ, इसे नहीं पार्टनर्स राइट ऑफ कर रहे हैं। सो हमने बोला कि इन दोनों के जो हमारा गुडविल है, इट मीन्स जो हमारा एग्जिस्टिंग गुडविल दैट इज 2 लाख एंड जो हमारा वैल्यूड गुडविल है दैट इज 5 लाख, इस दोनों के बीच के जो डिफरेंसेस आएंगे दैट इज 3 लाख। द न्यू पार्टनर, जो न्यू पार्टनर सी है वो इस 3 लाख का 1/3 शेयर लेकर के आएगा, यानी कि अपना शेयर लेकर के आएगा। सो शी इज शेयर ऑफ गुडविल दैट इज 3 लाख, 1/3 इज इक्वल टू 1 लाख। सो दिस इज गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर, क्या है 1 लाख। तो अब हमें इसे जर्नल एंट्री करना है, जर्नल एंट्री करने के लिए हमारे पास क्या जर्नल एंट्री होगा, सो जर्नल एंट्री हम इसके लिए कर सकते हैं, दैट बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट दैट इज 1 लाख। यहाँ पे मैंने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 1 लाख। नाउ ये जो गुडविल ब्रॉट इन किया न्यू पार्टनर के द्वारा, ये गुडविल कौन डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। सो हमने आपको बता रखा है एट द बिगिनिंग ऑफ दिस वेरी चैप्टर कि हमारा ओल्ड शेयर गिवन है ओल्ड पार्टनर्स का और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। सो इन दैट वेरी कंडीशन ओल्ड शेयर ही क्या हो जाता है, हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी हो जाता है। तो हमें फिर फर्दर जर्नल एंट्री क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट दैट इज 1 लाख टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल दैट इज 50,000 ईच।
बींग गुडविल क्रेडिटेड टू और टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सो स्टूडेंट, ये स्पेस कम होने की वजह से मैंने यहाँ पे इसे लिखा है, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। हमारा जर्नल एंट्री पहला क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 1 लाख ईच। नाउ प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 1 लाख टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट दैट इज 50,000 ईच। ये किस रेशियो में हमने बांटे हैं, ये हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटा है। हमने पहले भी बता रखा है कि एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, यदि ओल्ड पार्टनर्स के शेयर गिवन है और न्यू पार्टनर के केवल शेयर गिवन है कि वो किस फ्रैक्शन में के लिए आ रहा है और बाकी कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है रिगार्डिंग शेयर, उस कंडीशन में हमारा ओल्ड शेयर ही क्या हो जाता है, हमारा सेक्रीफाइसिंग शेयर भी हो जाता है। तो ये है हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आई होप स्टूडेंट ये बात आपको समझ में आई होगी। इफ़ यू आर हैविंग एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टीज इन सॉल्विंग द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन। ओके, सो टिल देन हैव अ गुड डे।